हेलो मंचकिंस, माय नेम इज ओशन और आज हम लोग फ्यूचर टेंस को सिर्फ 90 सेकंड्स में समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाला कल, और इस आने वाले कल के चार सब टाइप्स होते हैं। पहले सब टाइप की बात करें तो वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। इसे आप कब यूज करते हो? जब आप फ्यूचर की प्रॉमिस की बात कर रहे हो, फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात कर रहे हो, या बोल रहे हो कि ये एक्शन फ्यूचर में तब होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, इसके अंदर आप शैल या विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। वही बात करें अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो ये आप तब यूज करते हो जब आप बोलते हो कि फ्यूचर में ये एक्शन कॉन्टिन्यूटी में होगा कुछ देर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी टेकिंग हर डॉग फॉर अ वॉक, इसके अंदर आप विल या शैल के साथ बी का इस्तेमाल करते हो, साथ में वी विल प्लस आईएनजी लगाते हो। तीसरा सब टाइप आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसे आप कब यूज करते हो? जब आप बोलते हो कि फ्यूचर में इस एक्शन के पहले या इस टाइम से पहले आपका एक एक्शन जो है एब्सोल्युटली कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गेट देयर, ठीक है, तुम्हारे आने से पहले वो जा चुका होगा। इसके अंदर आप विल या शैल के साथ हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हो। वहीं अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो इसको आप कब यूज करते हो? जब आप बोल रहे हो कि एक एक्शन को फ्यूचर में होते होते इतना टाइम पीरियड हो जाएगा, या जब दूसरा एक्शन फ्यूचर में होगा तब हमारे पहले वाले एक्शन को होते होते इतना टाइम पीरियड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन प्लेइंग पियानो फॉर 21 ईयर्स व्हेन आई टर्न 30। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन।